सत श्री अकाल दोस्तों, पंजाब वैदर न्यूज़ यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। इस बुलेटिन में आप गल करांगे अज दी मुख खास खबरों बारे। शुरुआत करते हैं जी अज दी पहली मुख खबर दे नाल। हुण नहीं होवेगी कॉलेज यूनिवर्सिटियां दी प्रीख्या, सरकार ने किया वड्डा फैसला। कोरोना संकट कारण दिल्ली सरकार ने अपने सारे कॉलेजों ते यूनिवर्सिटी दीआं प्रीख्यावां जो इस साल नहीं हो सकियां उन्हां नूं ना करवाउण दा फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट नूं दस्सिया कि दिल्ली राज दीआं यूनिवर्सिटी दीआं प्रीख्यावां रद्द कर दित्तियां गईआं हन। UGC ने देश भर दीआं यूनिवर्सिटियां नूं 30 सितंबर तक अंतम साल दीआं प्रीख्यावां करवाउण दा निर्देश दित्ता सी, जिसका 31 विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट विच पटीशन दायर करके विरोध किया है। विद्यार्थियों का तर्क है कि कोरोना संकट विच हर विद्यार्थी लई इम्तिहानां विच हर जगह शामिल होना संभव नहीं है। अगली खबर दोस्तों, प्रताप बाजवा की सुरक्षा हटाउण दा कैप्टन ने दस्या कारण। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार वालों प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा वापस लैण विच उन्हां वालों लाई बदलाखोरी के दोषां नूं रद्द कर दिता। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल मार्च महीने विच केंद्र वालों राज्यसभा मैंबर नूं मुहैया करवाई जैड श्रेणी की सुरक्षा मगरों साल 2013 की सूबे की सुरक्षा नीति अनुसार उसनूं दरपेश खतरे की समय समय की जाने वाली समीक्षा के आधार पर यह आम प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि उन्हां दी सरकार किसी भी व्यक्ति नूं सही मान्यां विच जरूरत होने ते सुरक्षा देने तो इनकार नहीं करेगी, पर बेवजह पुलिस मुलाजमान नूं वेला नहीं कर सकती, खास करके उस वेले जदों कोविड की महामारी दरमियान पुलिस फोर्स बहुत नियंत्रण ते दबाव विचों गुजर रही है। अगली खबर दोस्तों, पंजाब दीआं जेलां चों छड्डे गए 11,000 कैदी, बाकियां नूं भी छड्डन की तैयारी। पंजाब च लगातार फैल रही कोरोना महामारी कारण सूबे दीआं जेलां चों कैदियों की समर्था घटाउण बारे एक उच्च पद्धरी कमेटी वालों सुझाव दिता गया है। इस कमेटी च 3 मैंबर पंजाब राज कानूनी सेवावां अथॉरिटी के चेयरमैन जस्टिस RK जैन, वधीक मुख सकत्तर R वैक्टर रत्नम अते वधीक डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रवीण कुमार शामिल हन। कमेटी ने महसूस किया कि जेलों च बंद तकरीबन 4,000 से 5,000 कैदियों को घटाना इस समय उचित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तो बाद बनी इस कमेटी की मीटिंग 31 जुलाई को हुई, जिस सिफारिश की गई कि पैरोल से रिहा हुए कैदियों को पैरोल से ही रखा जाना चाहिए है। कमेटी वालों सिफारिश की गई है कि 30 अगस्त तक पैरोल से चल रहे कैदियों की पैरोल 3 नवंबर तक वधा देनी चाहिए है। यह भी सिफारिश की गई कि महामारी रोग एक्ट लागू होने तक यह प्रबंध जारी रखने चाहिए हैं। अगली खबर दोस्तों, रूस के गैस फिलिंग स्टेशन से भयानक धमाका, 14 जख्मी। पिछले दिन ही पूरी दुनिया लेबनान की राजधानी बैरूत विखे होए धमाके की घटना के सदमे विच सी, अते हुण रूस विच भी एक भयानक धमाका होया है। इत्थे वोल्गोग्रोड विच सोमवार नूं गैस फिलिंग स्टेशन ते जबरदस्त धमाका हो गया। रिपोर्ट मुताबक इकट्ठे छोटे छोटे धमाके होए हन। अगली खबर दोस्तों, आम लोगों लई सोना खरीदना हुण बन जाएगा सुपना, 70,000 तो पार होण जा रही है कीमत। सोने की कीमतों में लगातार वाधा हो रहा है। इस साल जनवरी तो सोने ने निवेशकों को जबरदस्त वापसी दिती है। कुछ माहर मानते हैं कि दिवाली तक सोने की दर 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँच सकती है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोना 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पद्धर को पार कर गया। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार सोने ने 16वें दिन तेजी प्राप्त की। कई माहर मानते हैं कि दिवाली तक सोना 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पद्धर तक पहुँच सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अगले 2 महीनों सोना 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पद्धर तक पहुँच सकता है। माहर मानते हैं कि जे COVID-19 संकट खत्म हो जाता है तो भी विश्वव्यापी आर्थिकता इन्नी जल्दी दुरुस्त नहीं होने वाली। अजिही स्थिति में जदों आर्थिक संकट रहेगा सोने की मांग निरंतर रहेगी और यह वधेगी। सोने के नाल चांदी भी निरंतर उचाई वल वध रही है। शुक्रवार को चांदी की कीमत 576 रुपये प्रति किलो वध के 77,840 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड पद्धर से पहुँच गई।
शुक्रवार नूं 24 कैरेट सोने की कीमत 57,008 रुपए प्रति 10 ग्राम सी। अगली खबर दोस्तों, 3,075 बिजली कनैक्शन की चैकिंग 38.96 लाख का जुर्माना। पावर निगम के जलंधर कपूरथला हुशियारपुर SBS ते हैड ऑफिस नॉर्थ जोन वालों चलाई मुहिम तहत इन्हां जिलों विच 3,075 कनैक्शन की चैकिंग करवाई गई अते 314 केस बना के खपतकारां नूं 38.96 लाख का जुर्माना किया गया। नॉर्थ जोन के चीफ इंजीनियर जयेंद्र दानिया ने दस्सिया कि जिहड़े 314 केस बनाए गए हैं उन्हां विच बिजली चोरी दे 59 जबकि बिजली दी गलत ढंग नाल वरतों दे 255 केस बनाए गए हैं। अगली खबर दोस्तों, पंजाब सरकार वालों स्मार्टफोन वंडन की तैयारी तस्वीरां आईयां सामने। पंजाब दे मुख्यमंत्री वालों दिते जाण वाले स्मार्टफोन दीआं तस्वीरां सामने आईयां हन। कुछ दिन पहला ही कैप्टन सरकार वालों ऐलान किया गया सी कि पहले पड़ा च 50,000 स्मार्टफोन वंडे जाणगे, जिस दीआं तस्वीरां हुण सरकार वालों पेश कर दित्तियां गईयां हन। लावा कंपनी दे इस स्मार्टफोन ते कैप्टन अमरिंदर सिंह दी तस्वीर देखी जा सकती है। इस नूं कैप्टन स्मार्ट कनैक्ट दा नां दित्ता गया है। 2017 दीआं चोणां च कैप्टन वालों सूबे दे सारे नौजवानां नूं स्मार्टफोन देण दा वादा कीता गया सी, पर सरकार बनन दे 3 साल बाद वी सिर्फ 12वीं दे 50,000 विद्यार्थियों नूं ही इह स्मार्टफोन वंडे जाणगे। चोणां दौरान वड्डी गिणती च नौजवानां ने स्मार्टफोन्स लई रजिस्ट्रेशन करवाई सी। इन्हां दी टेस्टिंग दा काम शुरू हो गया है। ए सन जी हुण तक दीआं ताज़ा मुख खबरां। होर खबरां जानने लई चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो जी ते वीडियो नूं अपने दोस्तां ते परिवार नाल शेयर करना। धन्नवाद दोस्तों।